इसमें सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा, तो चलिए एक बारी बारी सभी के कमेंट पढ़ते हैं। बस उसके बाद पूछा था कोबरा एजेंट ने, उसने सब पूछा है कि भाई आपका कितना बड़ा है दिल। भाई मेरा बहुत बड़ा दिल है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज का वीडियो क्यू एन ए पर होने वाला। क्यू एन ए के मतलब मैंने आपने पिछली वीडियो में बताया था, तो किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने वो डिटेल में बताया था। तो अभी आपने अगर देखा नहीं होगा वो वीडियो तो जाके देख सकते हो और कमेंट भी करना गाइस। तो जिन लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था पिछले वाले, तो वो कमेंट मैं अभी इस वाली वीडियो में पढ़ूंगा और उसके आंसर दूंगा गाइस। देखते गाइस क्या 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 कमेंट किए उन्होंने। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी, इस मैंने फेसबुक पर भी लगाई थी स्टोरी और व्हाट्सअप पर भी स्टोरी लगाई थी कि वीडियो पे जाओ और कमेंट करो। तो बहुत से जनों ने कमेंट किए इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप पर और फेसबुक पर भी और यूट्यूब वीडियो पर भी किए गाइस। इसमें सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा, तो चलिए एक बारी बारी सभी के कमेंट पढ़ते हैं गाइस। मैंने इससे पहले क्यू एन ए वीडियो कभी नहीं बनाया था। क्यू एन ए वीडियो मतलब क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग कमेंट करोगे वो कमेंट मैं आज पढ़ने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल दी थी, थोड़ी बहुत डिटेल दी थी कि कैसे कमेंट करना है, कैसे क्या सवाल पूछना है मेरे बारे में। तो क्यू एन ए वीडियो मैंने कहा था कि क्यू एन ए वीडियो बनाने वाला हूँ अगला वीडियो। तो गाइस ये क्यू एन ए वीडियो है। तो गाइस अभी देखते गाइस किसी किसने क्या क्या कमेंट किया है, तो अभी कमेंट को पढ़ते हैं और उसके जवाब देते हैं गाइस। तो गाइस इस मोबाइल में मैंने फोटोज मतलब सेंड की है इस मोबाइल से। ये मोबाइल मैंने पहले यूज करता था, अभी नहीं करता। ये मेरे सिस्टर को दे दिया मैंने, इसमें चार्जिंग भी नहीं है। लैपटॉप को कनेक्ट किया इसको चार्जिंग करने के लिए और ऊपर से बिजली भी नहीं गई। तो जब मैंने ये मोबाइल लिया उसके बाद गई से मैंने यूट्यूब चैनल खोला था, इसमें नहीं खोला था। तो सबसे पहले कमेंट किया है अंश भाई ने कमेंट में पूछा है कि फर्स्ट पेमेंट आने पर क्या करोगे। अभी सोचा नहीं है कि फर्स्ट पेमेंट आने पर क्या करूँगा। मैंने एक वीडियो में कहा था कि फर्स्ट पेमेंट आने पर मेरे दोस्तों को मतलब छोटा सा सेलिब्रेट करूँगा, मतलब केक वेक लाऊँगा, वो सब कहा था मैंने। तो वही करने वाला हूँ फर्स्ट पेमेंट आने पर। और उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उन्होंने सबसे पहले कमेंट किया था तो यही सवाल पूछा था उन्होंने। अभी दूसरा सवाल है कोबरा एजेंट, पता नहीं कौन है था, कोबरा एजेंट है एक, मतलब उसका नाम दिख रहा है यहाँ पे कोबरा एजेंट। उसने पूछा है भाई आपका कितना बड़ा है दिल। भाई मेरा बहुत बड़ा दिल है और जिगरा भी है मेरे पास। कुछ भी पूछ लेते यार लोग। और उसके बाद पूछा था, उसी ने पूछा था कि आपके पास है नहीं क्या दूसरी टी शर्ट। भाई वो मेरे फेवरेट टी शर्ट है। वो मतलब मैं बहुत ज़्यादा पहनता हूँ उसको, मतलब मेरे फेवरेट टी शर्ट है वो। और जो मुझे वो जो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आ जाती है उसे मैं ज़्यादा यूज करता हूँ। मतलब गलत मत समझ लेना, जैसे शर्ट रहा या मोबाइल या बाइक या कुछ भी, तो वो मैं ज़्यादा यूज में लाता हूँ। और अभी तीसरा कमेंट है मेरे फ्रेंड का समीर का, स्कूल में आपका क्रश कौन था। भाई जूनियर था, उसका नाम नहीं ले सकता, जूनियर थी मेरी, पर फर्स्ट टाइम लव ही समझ लो, क्रश नहीं था वो, फर्स्ट टाइम लव था बस। प्रणय भाई ने पूछा है, प्रणय शामकर ने, अच्छा वीडियो बनाती है भाई तू, गुड जॉब, थैंक यू भाई। उसके बाद पूछा था विट्ठल ने, उसने पूछा है वीडियो बना के क्या मिलता है हमें भी तो पता चले। भाई वीडियो बना के तो ऐसा कुछ नहीं है, जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाए या 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाए तो एडसेंस पे अकाउंट मतलब जोड़ना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है, उसके बाद पेमेंट आ जाता है बस। और मुझे वीडियो बनाने में मतलब खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है वीडियो बनाने में के लिए, बस यही रीज़न है। प्रेम भाई ने पूछा है भाई तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है। भाई ने पूछा है कि मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, उसमें लिखा है कि 5-6 या 10। 5-6 तो होंगी भाई, नहीं भाई मेरे एक भी नहीं है अभी तक, कोई भी नहीं है, जो मतलब फर्स्ट टाइम लव था वो ही था, उसके बाद एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने दोबारा पूछा है भाई तू कितने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता है, थैंक यू भाई। उसके बाद प्रवीण काकड़े भाई ने लिखा है वेरी नाइस, ऐसा ही मेहनत करते रहो भाई, एक दिन सफलता हासिल होगी। हाँ भाई ऐसे मेहनत करता रहूँगा, थैंक यू भाई। उसके बाद इरफान शाह भाई ने पूछा है कीप इट अप, ऐसे ही करते रहो, थैंक यू भाई। आपको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बस ज़्यादा नहीं 7-8 कमेंट ही थे, उसके ऊपर कमेंट नहीं आए, और इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी 1-2 कमेंट आए थे मुझे, तो वो भी पढ़ लेता हूँ। व्हाट्सअप पर पूछा है गाइस एक बंदे ने कि आपने ग्रेजुएशन किस में किया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा ग्रेजुएशन बीए में हुआ है, बीए कंप्यूटर बस। और उसके बाद मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, आईटीआई में लिया था, उसके बाद मैंने वहाँ से एडमिशन निकाल लिया, वहाँ पे पढ़ाते नहीं थे अच्छा, तो और प्रैक्टिकल भी करवाते नहीं थे, तो इस कारण से मैंने वो छोड़ दिया। दूसरा कमेंट था आपकी फर्स्ट टाइम लव का नाम क्या है, सॉरी भाई नहीं बता सकता। अब दो ही कमेंट है व्हाट्सअप पर, अभी इंस्टाग्राम के कमेंट पढ़ता हूँ उसमें क्या लिखा था।
इंस्टाग्राम पर एक कमेंट आया है, एक सिस्टर ने किया है, उसने पूछा है कि ये आखिर एक क्यू एन ए क्या होता है। तो अगर आपको ये क्यू एन ए वीडियो नहीं पता होगा तो आप पिछले वीडियो में जाइए और उस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। बस इतना ही कहा था उस वीडियो में मैंने, बस इतना काम कर दीजिएगा। एक भाई ने पूछा था कि आप कहाँ से और कौन से गाँव में रहते हो, बस ये पूछा था उसने। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एक छिंदवाड़ा ज़िले के एक छोटे से गांव से हूँ। और एक कमेंट आया अभी भी, एक उस कमेंट में लिखा है कि आपके पास मोबाइल कौन सा है। तो मेरे पास रियलमी नार्जो 30A है, जो मैंने कॉलशिप के बेस पर लिया था। मुझे कॉलशिप आई थी BA की, तो फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट ईयर की, तो उसके बेस पर लिया था मैंने। फीस पेड करके आधी फीस पेड कर दी थी और आधी मैं मतलब आधी बची थी, तो इसमें वो मोबाइल ले लिया था। मेरे पास दूसरा मोबाइल था पर वो ख़राब हो गया, तो उसके कारण मैं उसको बेच दिया। तो ये फर्स्ट मोबाइल था मेरा, उसके बाद वो था, उसको मैंने मतलब जल्दी ख़राब हो गया था वो, उसको मैंने बेच दिया, फिर ये ले लिया गाइस। इससे मैंने यूट्यूब चैनल खोला था। और एक भाई ने पूछा है कि आपका ड्रीम क्या है, मतलब सपना क्या है। तो वो तो अभी मैंने फ़िलहाल सोचा नहीं है, मतलब ड्रीम तो इंडिया घूमने का है, पर वो पूरा होगा कि नहीं वो नहीं पता मुझे, कन्फर्म नहीं पता। अगर वो पूरा हो जाए जल्दी से, मतलब यूट्यूब का जो है 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर पूरा हो जाता है, तो मैं निकल जाऊंगा अपनी बैग लेके और यहाँ से घर से निकल जाऊंगा पूरा इंडिया घूमने के लिए, वो भी पैदल निकलूंगा यहाँ से। और आपको बताऊंगा कि कैसे क्या घुमा जाता है, मतलब विदाउट मनी बहुत ही कम बजट में कैसे घुमा जा सकता है। अगर आपका सपना हो घूमने का इंडिया, तो कम बजट में भी घुमा जा सकता है कम खर्चों में। तो बस यही था। वैसे यूट्यूब पे मुझे 9-10 कमेंट आए थे बस, बाकी कुछ नहीं। और इंस्टाग्राम पे 5-6 और व्हाट्सअप पर आए थे 5-6 कमेंट, बस इतने ही कमेंट आए थे। उसके बाद वो कोई और कमेंट नहीं आए। मुझे लगा कि एक 1K 2K कमेंट आएंगे, पर नहीं आए। व्यूज भी बहुत कम आए थे गाइस। इस वाले Q&A वीडियो का भी मैं यही पे एंड करता हूँ। फ्रेंड यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर लेना गाइस। तो मिलते जल्दी बहुत ही जल्द इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियो में। बाय गाइस।